वहां से पढ़ाई वैसे करते हैं, तो उसी के तहत मैंने पढ़ाई की थी। और मैंने मेरा जब पढ़ाई शुरू की तो ये था कुछ अलग करना है, तो मैंने साइंस और मैथ्स की पढ़ाई किया 10th तक। आप लोग में से पढ़े होंगे बहुत सारे लोग, साइंस में पढ़े ना 10th तक, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम से चॉइस भी हो गई है, आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते है ना, नहीं है साइंस मैथ्स की जगह साइंस। तो वो साइंस वर्स किया, और उसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा इरादा था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग, कि हमको टीचिंग में नहीं जाना और म्यूजिक का तो एम था ही नहीं, तो कैसे करते हैं, फिर इसी ने सोचा कुछ अलग करते हैं। तो मैंने कॉमर्स किया, कॉमर्स के बारे में जानते हैं ना सब लोग, तो कॉमर्स किया 11th 12th में। हाँ, उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं था, कंप्यूटर आया था जो कि बहुत एकदम शुरुआती स्टेज में था, तो मैंने कंप्यूटर से पढ़ाई नहीं की थी ग्रेजुएशन तक। लेकिन मेरे पास जो टीचर्स थे वो लोग मुझे आप लोग स्पेशल ज्योमेट्री किट के बारे में जानते हैं ना, उसी से वो मुझे ड्रॉ करके कोई भी, जैसे हमारी सबसे जो थिंकिंग होती है कि कॉमर्स पढ़ेंगे तो मैथ्स होगा बहुत सारा और कैलकुलेशन होगी और ग्राफ्स होगा, होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना हम सोचते हैं, ठीक है। तो उसके बाद टीचर्स जो थी वो मुझे जो कुछ भी ग्राफ्स या जो फॉर्मेट होता है वो मुझे ड्रॉ करके बताते थे, और मैं सारा का सारा पढ़ाई ऑडियो कैसेट से रिकॉर्ड करके उनको सुन के पढ़ती। आज तो आप लोग के पास ब्रेन में बुक्स भी है, कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है ना। तो ऐसे करके 11th 12th पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी हमने कॉमर्स पढ़ाई की। अब कॉमर्स करके रिकॉम कर लिया हमने, उसके बाद मैनेजमेंट कोर्स करना था, एमबीए करना था। तो एमबीए करने के लिए एडमिशन के लिए जब हमने फॉर्म भरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने का इरादा था, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे ये मना कर दिया कि अभी तो इस तरह के कोर्सेस में ना रिजर्वेशन नहीं है, तो हम आपको एडमिशन नहीं ले सकते, आप बीएड कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस दिया था लेकिन उन्होंने वो रिजल्ट ही नहीं निकाला था। उसके बाद जब रिजल्ट नहीं निकाला तो फिर क्या, फिर तो हमें फिर आप लोगों को डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में कुछ पता है, थोड़ा पता है ना, 95 उसके अंदर हम 3% के रिजर्वेशन की बात अभी जब चेंज होने से पहले की बात की, ठीक है। तो जब मैंने करा था तब वो 3% रिजर्वेशन देते थे एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में, तो क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो इसीलिए उनके रिजर्वेशन की कोई बात नहीं थी। तो हमने चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी के पास हमने वो केस किया, और एनएबी दिल्ली की हेल्प से ही किया। उसके बाद उन्होंने सारे देश में जितने भी जो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है ना, जितने प्रोफेशनल कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज, उनको उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आपको 3% रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर हमें 1 या 2 साल के बाद मुझे एडमिशन मिला पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में, मैंने एमबीए किया 2 साल। उस वक्त कंप्यूटर आ चुका था, तब कंप्यूटर की हेल्प से स्कैन करके जिस तरह से आप देख रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी फास्ट, लेकिन हाँ कंप्यूटर के एग्जाम तो नहीं, लेकिन जो बुक्स थी उसको मैं स्कैन करके उनको पढ़ पाती थी, कम से कम अपने आप से पढ़ सकती थी, नोट्स बना सकती थी, वो काम कर रही थी। अब एमबीए करने के बाद सवाल आया नौकरी का, तो कैंपस रिक्रूटमेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि कंपनीज को एजुकेशन थी कि आप काम कैसे करें। कंप्यूटर तब तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन उनको ये था नहीं कैसे काम करेंगे, उनको आज भी है बहुत सारा लोगों को कंपनीज को, लेकिन तब ज्यादा था, आज 10-12 साल पहले। जब इंस्टीट्यूट से बाहर आए तो फिर जॉब हंटिंग शुरू हुई। जॉब हंटिंग में मैंने फिर एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन किया, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वहां पे मैंने ज्वाइन किया, 3 साल मैंने जॉब किया वहां पे, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कई सारे डिग्री चैलेंज लोगों को भी इंक्रमेंट दी थी। हाँ, वहां पे हम कंप्यूटर की हेल्प से ही सारा काम करते थे, जितने भी मेल्स कंप्लेन्स जो कुछ भी काम होता था हमारा, हम कंप्यूटर
थोड़ा ज्यादा कुछ करने को मिले। तो जो पीएससी होते हैं जहां पर मैं अभी काम करती हूँ, उनके एग्जाम होते हैं नौकरी के लिए, उनके अभी नौकरी के एग्जाम के लिए हमने अटेंड किया। फिर एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, तब पिछले 10 सालों से मैं वहां पे नौकरी कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या रोल था, रोल ये हुआ टेक्नोलॉजी की मदद से मैं कर पाई। आज की डेट में मैं वहां पे कंप्यूटर से ही सारा काम करती हूँ, चाहे मेल लिखना हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसकी मदद से कंप्यूटर पे ही सारा काम करती हूँ। अब जो चैलेंज था मेरे पास कि कुछ अलग करना है, इसमें बहुत लोगों का सहयोग रहा, एनएबी दिल्ली का, पेरेंट्स का भी, अपने साथ फ्रेंड्स का भी, कि एनएबी दिल्ली ने मुझे सपोर्ट किया कि मेरे मैं जो भी करना चाहती हूँ उसके लिए उन्होंने स्पेशल बुक रखी। मैंने कॉमर्स जो पढ़ा उसको पूरा सक्सेसफुल बना, तो मैं वहां पे कर पाई। सपोर्ट से और आपके इरादे से आप कहीं पे भी पहुंच सकते। आज की डेट में आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग में, आप कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर में भी, और यहाँ तक कि कंप्यूटर जिसको बहुत पसंद है और जो बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते। अगर आप लोग ग्रेजुएशन करके अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या करना चाहते हैं, तो बैंक्स में आप लोग को जैसे सर शुरू बता रहे थे कि बैंक्स में बहुत सारे जॉब्स आते हैं, वैकेंसीज आती है, तो आप लोगों को जितने भी चाहते हैं, तो उसमें होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ। आप ग्रेजुएशन करके उसके एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो होगा। सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप ये जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको जो एंट्रेंस होता है उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि आपको बेसिक मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जो कुछ भी जिस भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसके बेसिस पे आपको एग्जाम क्लियर करते हैं और फिर आप सेलेक्ट होते। इसके अलावा अगर आप जो लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप सब जानते ही हैं कि आप एमए करोगे, मतलब मास्टर्स करोगे, नेट क्लियर करोगे और जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, उसमें आप सेलेक्ट हो सकते हो। स्कूल का भी ऐसा है कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, उसके बाद एग्जाम्स होते हैं, और इसका आप लोग को पता है ना कि टीचिंग के लिए भी एक एग्जाम होता है जिसको क्लियर करते हैं, सीटीईटी बोलते हैं ना, उसको क्लियर करके जैसे नेट होता है वैसे वो भी होता है, उसको क्लियर करके फिर वैकेंसी आती है, तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। अब जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, जैसे कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस होंगे, हिस्ट्री होंगे, आप उसके अपने चॉइस ऑफ सब्जेक्ट के बेसिस पे आप ये सब बीएड हो चाहे बीएड करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। आप ये सब भी जानते हैं कि ग्रेजुएशन करके बीएड करके आप पीजीटी बनते हैं, पीजीटी बनते हैं, ये सब पता है आपको है ना। आजकल जो प्राइवेट कंपनीज है ओपन है जॉब के लिए, बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो जो जिसके पास थोड़ा सा स्किल है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, लैंग्वेज में अगर वो अच्छे हैं, तो उनके लिए भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी कंपनीज हैं ओपन लेने के लिए। हमारे दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में और बड़े कंपनीज में काम करते हैं लोग। एक डेवलपर है मिस्टर दिनेश, वो सेफ्टी एट और विप्रो के साथ काम करते हैं, वो प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, ठीक है। और एक मधु है, मिस मधु है, वो एक कंपनी है कंसल्ट्रिक्स, ठीक है, उसमें वो ट्रेनिंग कराती है, ठीक है, टीम लीडर है वहां पे। जितने भी उनके वहां पे कंपनी में जो नए ज्वाइनीज होते हैं ना, जो नया आता है, उन सबको ट्रेनिंग देती है, और वो भी टोटली ब्लाइंड है, प्राइवेट सेक्टर में ही काम करती है। और दो तीन लोग हैं जो कंपनी में कॉल सेंटर्स होते हैं, कंपनी जो होती है वहां पे वो लोग वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर है, जो नए लोग आते हैं उनको लोगों से कैसे बातचीत करनी है, ठीक है, वो लोग वो सिखाते हैं।
ऐसे लोग काम करते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको लैंग्वेज अच्छी हो और आप बढ़िया आपके बंगाली लैंग्वेज के कमांड है। इसके अलावा भी टेस्टर्स है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं वो भी काम करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज है। थोड़ा सा ना इस विषय में थोड़ी सी गाइडेंस अगर आप दे दें, जैसे अभी काफी लोग तो मतलब जॉब की तैयारी कर भी रहे होंगे या कर रहे हैं, जैसे मैंने जॉब ज्वाइन किया है 2 years हो गए मुझे, तो एज ए पर्सन डिजिटल या मतलब एक दिव्यांग पर्सन ऑफिस में या जो एक जॉब में राइज कैसे करें, थोड़ा सा जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप और प्राइवेट सेक्टर के अलावा जैसे आप लोग मास्टर ऑफ सोशल वर्क होता है आप उसके बारे में जानते हैं, जैसे मैंने बताया तो MBA होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक कोर्स होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है, उसमें अगर आप कोर्स करते उसमें अगर मास्टर्स करते हैं तो आप NGO में जॉब कर सकते हैं, समझ रहे हैं, NGO में जॉब कर सकते हैं किसी का इंटरेस्ट हो कि सामाजिक को सोशल वर्क में जिसको इंटरेस्ट है वो कोर्स करके भी आप NGO में, उसमें भी अलग अलग स्ट्रीम होता है कि किस तरह के सोशल वर्क के फील्ड में हम काम कर सकते हैं। मैम हमने सुना अश्वास से बता रहे थे कि आपकी बहुत सारी NGO हैं उनके मेरी हम या फिर काम करते हैं, कुछ बता रहे थे। हाँ मैं NGO से जुड़ी हूँ, ये मैं जो बता रही हूँ आपको ये आप अगर आपको इसको अगर एज अ प्रोफेशन बनाना है, देखो मैं जो NGO के साथ जुड़ी हूँ वो तो मेरा वॉलंटरीली और मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मैं NGO के साथ एज अ प्रोफेशनल काम नहीं करती हूँ, लेकिन आपके लिए बता रही हूँ किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप मास्टर ऑफ सोशल वर्क करके उसमें कई डिसिप्लिन हैं उसमें, ठीक है, अगर आप कभी चाहेंगे तो मैं डिटेल में बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि अगर चाहे उसमें भी कोर्स करके 2 साल का कोर्स होता है और आप NGO सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, और इसको और इंटरेस्ट है तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA भी कर सकते हैं, आजकल बड़े बड़े अच्छे वाले A-level इंस्टीट्यूट भी एडमिशन देते हैं, फिर इसके लिए भी जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली के लिए तैयारी करनी पड़ती है, कोचिंग करना पड़ता है, इसके लिए भी MBA MSW के लिए भी थोड़ी सी आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि अभी भी हमारे बहुत सारे डिसेबल्ड या विजुअली चैलेंज्ड लोग UPSC क्लियर कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे कई लोग हैं इसमें जो कि अभी धीरे धीरे वो लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ये भी कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको गाइडेंस और कोचिंग लेनी पड़ेगी कि आप किस तरह से पढ़ाई करें और किस तरह से इसकी प्रिपरेशन और किस तरह से एग्जाम को लिख सकते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल कमी नहीं है, UPSC तक भी आप कर सकते हैं। आपने कई लोगों का एग्जाम्पल जरूर सुना होगा अभी रिसेंट में कि कई लोग सेलेक्ट हुए, एक केरल या कर्नाटका की है लड़की, नाम मुझे ध्यान में नहीं है, वो इन फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हुई है, ठीक है, ये लास्ट ईयर की बात है, इस साल भी कम से कम 3 या 4 लोगों का नाम मैंने सुना पढ़ा था जो लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है। इसके अब अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर बताऊंगी, अभी इनके ऋषि जी के प्रश्न का मैं आंसर करती हूँ कि देखिए अब अगर मान लीजिए हम सेलेक्ट हो गए, जॉब भी हमको मिल गई, उसके बाद हमारा चैलेंज होता है कि हम अपने आप को प्रूव कैसे करें, प्रूव वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि एक आम इंसान को से एक्सपेक्टेड होता है कि वो यहाँ आया है तो वो काम करेगा, हमारे से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, हमारे विजुअली चैलेंज लोगों के लिए जो थिंकिंग होती है बहुत अलग होती है, खैर हम उनके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, हम सब जानते भी हैं, तो हमारा रोल ये होता है कि अगर हम वहां पे काम कर रहे हैं हम पहले काम को समझें, पहला तो सबसे पहले यही समझे वहां पे क्या क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद आप ये समझो कि मैं कहां पे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकता हूँ, है हम कैसे मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ या मैं अपने आप को वहां पे कैसे पोजीशन कर सकता हूँ, ये आपने सोच लिया, उसके बाद आप सोचो कि इसको काम को मैं करने में कैसा किस तरह से सपोर्ट की और मुझे मेरे अंदर क्या स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, अगर आप कंप्यूटर
अच्छे से जानते हैं, लिखना पढ़ना अच्छे से जानते हैं, तो आप वो वाला काम उठाओ जो आप उसको बहुत आसानी से इंडिपेंडेंटली आप कर सकते, ठीक है। और मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम है जिसको कि आप कर सकते हैं, अभी आप सक्षम नहीं है, तो आप उसके लिए कोशिश करिए कि अपने आप को वैसा बनाए और आप कर सकते। आप ये याद रखिए कि हमें एज ए विजुअल चैलेंज या फिर एज ए डिसेबल पर्सन हमें ना हर वक्त प्रूव करना पड़ता है कि हम ये कर सकते हैं। और मान लो एक बार आप करने लग जाते हो ना, और मान लो किसी काम को आप नहीं करते हो, तो लोगों का ना ओपिनियन बन जाता है, या तो हमें बहुत इंटेलिजेंट समझा जाता है या फिर पूरा डिटेक्टर समझा जाता है, है या नहीं? ऐसा ही होता है ना। किसी ने कहा कि हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी आप चुप गए तो अच्छा फिर तो नहीं कर सकते, है ना। ये तो एक आम धारणा है। तो उस उन सब बातों को आप नजरअंदाज करो, आप जो चीज कर सकते हो उसको जरूर करो, और ये मत इंतजार करो कि मुझे कोई खुद से आके काम देगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारे ऑफिस में, मेरे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं उनको काम नहीं मिलता। हमें थोड़ा सा ये पूरी तरह से मैं ये नहीं करूंगी, कहूंगी कि आप ही पे ये पूरा निर्भर आपका जो बॉस है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारा क्या रोल है कि हम अपना इंटरेस्ट शो करें, हम खुद जाके ये बताएं कि सर मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे ये रोल दिया जाए, एक मौका दिया जाए, कर सकते। अगर देते हैं तो उसको पूरी तरह से करके प्रूव करो कि कर सकते, ताकि लोग का ट्रस्ट बढ़े, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है, लोकल ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होता है। आप बहुत सारे पुराने लोग ऐसे सोचते, अच्छा ठीक है तो जॉब में फिर कोई बात नहीं, जल्दी करता तो मिल ही नहीं है, ऐसा ही सोचते हैं। कई बार ऐसे भी लोग मिले हैं और ऐसे भी लोग मेरे सामने एग्जाम्पल आया है कि जो जॉब जो जो आया है वो अच्छी है, तो रोज आने की जरूरत नहीं है, महीने में एक दिन आना अटेंडेंस लेके चले जाए। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, हमारे हमारे ही कंपनी में जो शुरू में लोग सेलेक्ट किया उन्हीं लोगों से किसी ने आपने मुझे बताया, जो स्पेशल ड्राइव चलाई थी कुछ टाइम पहले, ये जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं ना बीच बीच में हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आता रहता है ऑर्डर कि आपको जो रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके तहत जो ये पीएससी उस कंपनी है ड्राइव चलाती है, तो वैसे सेलेक्ट हुए हैं वो लोग, कहते हैं हमको कि बोलते हैं सर कि जाओ फिर एक महीने में आ जाना, एड्रेस दे देना, आपको मैं दे देगा। आपके अच्छा एक्सपीरियंस अभी से बहुत साल पहले जब मैं हरेली दिल्ली गया था और मैंने कंप्यूटर सीख लिया था, तो मेरे साथ में जो सीख रहे थे उन लोगों के साथ मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम दिया और एग्जाम पास कर लिया, और करीब एक डेढ़ साल बाद प्लेसमेंट हो गई, नौकरी मिली सरकारी नौकरी दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे ऐसा था, ऑफिस में गया मैं तो ऐसा ही एटीट्यूड था, उन्होंने कहा कि मतलब पता कुछ कर तो सकते नहीं, तो मतलब आना हो तो आ जाना, नहीं आना नहीं आना, तो सैलरी का टाइम आ जाना। और तो खैर मैं मुझे इतना बड़ी ये हुआ कि मैं आऊंगी ना, तो मैं ज्यादा था चलो देखूँ कि क्या होता है काम और कैसे करूँ। वहाँ पे एक और उस वक्त क्या चैलेंज थी कि उनके पास केवल टाइपराइटर थे, वो काम अपना टाइपराइटर से करते थे, कंप्यूटर से नहीं करते, 2002 या 3 की बात, 2002 की। तो अब मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, मैं कंप्यूटर का टीचर था एक्सपर्ट, लेकिन आप करूँ तो क्या करूँ, यहाँ पे तो जाके भी कुछ कर नहीं पा रहा था, पूरा दिन बैठना बिना काम के साइड में, उसका इतनी ज्यादा मतलब खराब फीलिंग होती थी। तो मैंने फिर क्या किया कि वो मैंने भी सब कर सकते हैं, वो करना चाहिए, मैंने अपने दोस्तों से और टीचरों से पैसे उधार लिए और एक लैपटॉप और एक प्रिंटर खरीदा, और ऑफिस में बॉस को इतना बोला कि मुझे रखने की जरूरत है, और मैंने वहां रख दिया। और उसके बाद जो वो काम टाइपराइटर से करते थे और वो सब मैंने वो कंप्यूटर से करके दिखाया और करने लगा मैं, बल्कि वो लोग ऑब्वियसली आप समझते हैं कि टाइपराइटर और कंप्यूटर बड़ा फर्क है, वो लोग तो जैसे उनको चिट्ठी निकालनी है तो मतलब हर महीने निकालनी है तो हर बार टाइप करें वो, है ना। अगर उनको 50-100 लोगों का कुछ नंबर डेटा सैलरी वैली का रिकॉर्ड निकालना है तो टाइपराइटर भी इतना ज्यादा काम होता था, जबकि कंप्यूटर पे तो मैंने उनको करके दिखाया, अगले महीने उसमें थोड़ा सा चेंज कर फिर से प्रिंट आउट दिए, 5 मिनट के अंदर कोई जरूरी काम इतना कुछ करना है। तो ऐसे में तो खैर वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़े महीनों में तो बहुत सेटिस्फाइड हो गए।
क्लास 10 में हो और क्या अच्छा कहाँ से हो? अच्छा ठीक है ठीक है। मोबाइल फोन है तुम्हारे पास? अलाउड है नहीं तक तो नहीं होगा शायद। और क्या रेडियो सुनते हो? रेडियो न्यूज वगैरह न्यूज सुनते हो? हाँ तो इसमें तो ये है कि भाई आपके पास जो भी अवेलेबल साधन है उसको यूज करना है। और अभी तो चलो ठीक है, अभी आपको क्लास टेन में हो तो टेन पे फोकस भी करना है, आपको पढ़ाई को ज्यादा फोकस करना है और अपनी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करनी है। जितनी ज्यादा आप अवेयरनेस रहेगी आपकी उतनी अच्छी है। और जब आगे मौका मिलेगा तो आप कोई या तो आपको कंप्यूटर या स्मार्टफोन दो में से एक चीज, चलो ये दोनों आदमी हो तो कम से कम कोई ईबुक रीडर का कोई अरेंजमेंट हो जाए। ईबुक रीडर तो शायद हो सकता है इंटरव्यू उसकी तरफ तो आप जा सकते हो शायद मेरा ख्याल, उसकी तो समान वो तो अलाउड ही है। तो कोई भी एक रीडिंग डिवाइस जब बन पाए तो ट्राई करनी है कि वो इस्तेमाल करना है। कौन सी क्लास में हो? एग्जाम अगले साल देना तुझे साइकोलॉजी थोड़ा चैलेंजिंग फील्ड है, उतना एस्टैब्लिश नहीं है कि आगे जो पढ़ाई है पढ़ाई के बाद खास करके उसमें काम है। साइकोलॉजी की फील्ड है वो अभी बहुत लिमिटेड है, टेस्टेड नहीं है इतना और एस्टैब्लिश नहीं है। तो वैसे आमतौर से तो भाई मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई जो पसंद है वो करो, लेकिन ये है कि भाई चैलेंजेस के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले नहीं किया तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कुछ बच्चों ने किया भी है, ऐसी बात नहीं है, ग्रेजुएशन वगैरह की साइकोलॉजी है, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के कुछ लाइन में बदला बदलना पड़ा। तो क्या है देखो 12th तक तो वहाँ पे लोगों ने डिलीवरी किया है, लेकिन आगे उन्होंने नहीं किया कोई। उसकी वजह वही होती है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना उसमें कुछ चीज तो हम ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, बाहर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे जो जो रिसोर्सेस है ना उसको उस सब्जेक्ट को परस्यू करने के लिए पूरा नहीं है, इसीलिए नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, इसी वजह से देखो वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अगर साइकोलॉजी अगर कोर्स नहीं ले सकते कोई बात नहीं, तुम साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ लो, तुम्हें नॉलेज ही तो चाहिए ना, है कि नहीं? तो साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ने के लिए थोड़ी कोई मना करेगा, अपने इंटरेस्ट से पढ़ो और क्या, इसमें उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जब भी पढ़ोगे, जब आपके पास है क्या वो जो बुक रीडर है कुछ भी, कैसे बुक्स पढ़ते हो? ब्रेल बुक्स पढ़ते हैं। मतलब वो तो डेजी प्लेयर या अच्छा ब्रेल बुक्स ही है। आगे चलते जब आपके पास ये आएगा ना आप ही चाहे कोई मुश्किल तो नहीं चाहिए, तो आप साइकोलॉजी की बुक्स एकदम बेसिक से शुरू कर लो और आराम से पढ़ सकते हो, तो आपको मिल जाएगी नॉलेज। अच्छा ब्रेल के हायर एजुकेशन में काम हो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्रेल बुक्स हायर एजुकेशन में
बहुत कम है। अभी जो सुबह पुस्तकालय वगैरह बताया उसमें कोशिश ये है कि किताब का जो सॉफ्ट कॉपी है वो तैयार हो जाए, फिर ब्रेल प्रेस चाहे तो प्रिंट कर सकता है, उनको उनको कम खर्चा पड़ेगा, उनको ऑफिस से किताब टाइप वाइप करके कंप्यूटर तैयार नहीं करनी पड़ेगी। बट स्टिल उसमें भी ये है कि मान लीजिए आपको एक ब्रेल किताब में पढ़नी है वो सुबह पुस्तकालय से अवेलेबल है, तो किसी न किसी ब्रेल प्रेस को उसको प्रिंट करके आपको देना होगा, उसकी कीमत आप देंगे या वो खुद करेंगे ये मामला भी खुला हुआ है, मतलब हुआ नहीं कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट का डायरेक्टिव या किसी और जगह से मिला हो ऐसा हो नहीं, इस वजह से कम किताबें मिलती है। जब आप जब तक आप स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में तो जिम्मेवारी है सस्ता की या सरकार की जो है, जो रिफ्रेशेबल ग्रेड डिस्प्ले डिवाइस है वो चीज़ वो बदल सकती है सारा कुछ, प्रोवाइडेड वो भी और सस्ती हो और थोड़ा लोगों तक पहुँचे। उसमें यह है कि आप उसको अगर आपके पास है तो मोबाइल से भी कुछ भी चीज़ें उस पर पढ़ लेंगे आप, या कहीं लाइब्रेरी से भी पेनड्राइव पर लगा दी उसमें पढ़ लेंगे, तो हर चीज़ ब्रेन हो जाएगी। वो डिवाइस अभी वैसे 2.5 लाख की कीमत से 25,000 तक तो आई है, इतना तो फर्क पड़ा है इस साल, लेकिन अब 25,000 भी वैसे मैं समझता हूँ कम तो नहीं है, इतना तो हुआ है 25,000 का प्रॉब्लम है। और क्या मैंने जो सुबह बात बताई थी जो मैं बताया था कि जो मोबाइल में आपको सुबह दिखा रहा हूँ वही चीज चश्मे में आ गई है, तो वही ऑर्कैम है। ऑर्कैम एक छोटा सा कंप्यूटर विद कैमरा है, एक पेन ड्राइव इतनी साइज का, अगर आपको पता है पेन ड्राइव कितना छोटा है, वो क्लिक होता है उसमें छोटा, तो उसको आप जो अपना चश्मा पहन रखा है उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड आप लटका सकते हैं। उसमें छोटा सा स्पीकर भी है या हेडफोन लगाने की सुविधा भी है, उसमें कैमरा है जो आपके सामने की तरफ देख रहा है लगातार, और वो भी इसी तरह से कुछ प्रिंट हो तो पढ़ दे पढ़ सकता है, कितने लोग हैं पहचान सकता है, इस तरह की जानकारी लगातार आपको कान में दे रहा है। वही ऑर्कैम है, ऑर्कैम इसराइल का बना हुआ है, अभी अभी इंडिया में जो कि आ गया है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है बताने लायक नहीं है। सर बच्चे पूछ रहे हैं 2.5 लाख रुपये छोटी सी चीज है, मतलब उतनी उतनी भी एक्चुअली वैल्यू नहीं है। हाँ इसके पास पैसे उसके कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी चीज नहीं कुछ भी करके ले लो, क्योंकि वही चीज आप मोबाइल से भी कर पा रहे हैं, तो मोबाइल जबकि 6-8 हजार रुपये में काम हो रहा है, तो चश्मे वाली सुविधा की 2.5 लाख रुपये बहुत ज्यादा है। तो जो है इंडिया में 3-4 कंपनी करती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम, दिल्ली में सक्षम ट्रस्ट है, देहरादून में स्वच्छ प्रोडक्ट्स है, बॉम्बे में फैशन एंटरप्राइज है, इन लोग के पास ऐसी ज्यादातर चीजें मिलेंगी आपको। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली सक्षम में ऑडियो रेडर मिलेगा 250 रुपये का, ठीक है, जो आपको बताया लीफ डबल इंडिकेटर जो चाय और कप वाली बात वो शायद 700-800 रुपये के लगभग का है, और क्या बताऊँ आपको वेट मशीन में बता दी 4,500 रुपये, और क्या करना चाहते हो बताइए, वहाँ बहुत सामान है। अगर मैं आईटी सेक्टर में जाना हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर बना, तो उसके लिए मैम क्या स्कोप है, और क्या इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडिविजुअल पेयर पर्सन इस क्षेत्र में जो काम करवा सकते हैं। और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि जो फाइल्स होती हैं जैसे एप्पल फाइल्स होती हैं, जो दूसरी फाइल्स होती हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर जो होगा समझिए।
देखो आईटी क्षेत्र में जो जॉब्स है उसको बहुत मोटे मोटे तौर पे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो जैसे इसको बोलते हैं हार्ड कोर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब्स, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोग्रामर है। तो वैसा काम करने के लिए तुम्हें आमतौर से कुछ अच्छी डिग्री चाहिए, जैसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बी टेक करके किया हो, एम टेक किया हो, या बी सी ए फिर एम सी ए, या कोई एन आई टी वगैरह से तीन चार साल पाँच साल का कोर्स। इसलिए क्योंकि ये काम तो पूरी तरह से स्किल वाला ही है, तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ती है। इस फील्ड में वो लोग जाए जिनका थोड़ा मैथ्स वगैरह ठीक है, कम से कम 12 तक पढ़ाओ, 12 तक ना पढ़ाओ तो ज्यादातर कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। वैसे ये वाला काम में जैसे मान लो मैं ग्रेजुएट कर लिया हो तब सोचो कि उधर जाना है, तो मैं बोलूंगा वो थोड़ा रिस्क है, वो इतना आसान नहीं है। 10वीं 12वीं से ही लोगों ने सोच किया हो, तैयारी की हो, सही कोर्स किया हो तो ठीक है। जो दूसरा थोड़ा कहते हैं आई टी इनेबल्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे और काम, तो उसमें मेरा ख्याल है हमेशा चांस है, उसमें कोई बहुत डिग्री वगैरह नहीं चाहिए। कई एनजीओ से किसी से भी जगह से तुम्हें कंप्यूटर थोड़ा अच्छा सीखा हो, जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह बढ़िया आता हो, बढ़िया वाला एकदम अच्छे से, तो जैसे अभी पटना ने बताया कि कुछ काम लोगों को मिल रहे हैं, जैसे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग वाला एक काम बहुत इंडिया ने आ रहा है अमेरिका यूरोप से। अमेरिका यूरोप में क्या है कि वहाँ जो भी सॉफ्टवेयर बनता है या वेबसाइट बनती है या किताब बनती है उसको एक्सेसिबल बनना, यानी कि डिसेबल्ड लोगों के यूज करने लायक बनाना कंपल्सरी है। तो उन कंपनियों को वो चीज पहले टेस्ट करानी होती है कि है या नहीं है, क्या कमी है तो ठीक करो। ये काम वो आजकल जैसे इंडिया में भी बहुत करा रहे हैं, दिल्ली दिल्ली में ही कम से कम 20-30 लोग इस ऐसे नौकरियों में लगे हैं जिनका काम कंप्यूटर चलाकर अपने टॉकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उनका सॉफ्टवेयर वगैरह चेक टेस्ट करना, चलाना, जो कमी है उसका रिपोर्ट वगैरह बनाना। तो इसमें तो वो लोग ग्रेजुएट कोई भी ले रहे हैं, बस वो देख रहे हैं कि कंप्यूटर अच्छा चलाता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश ठीक ठाक हूँ, मैं बोलना जरूरी नहीं, लिखना उनका थोड़ा बहुत उनको। वही इसी तरह कॉल सेंटर वगैरह या और भी कुछ प्राइवेट सेक्टर में फ्रंट ऑफिस वगैरह जॉब में बस ये देखते हैं थोड़ा कंप्यूटर स्किल हो, बाकी कुछ और नहीं। तो ये है सर कन्वर्जन वाली क्या बात की थी सर, फाइल्स कौन सी फाइल एको फाइल सर जो फाइल सकती है। अच्छा जो रार फाइल है वो एक जिप टाइप की फाइल है, उसके लिए तो तुम्हें जैसे विन रार या 7-zip ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिससे वो खुल जाएगी, उसके अंदर की फाइलें देख सकते। फाइल ई बुक होती है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको पढ़ने के लिए सही सॉफ्टवेयर यूज करना है, जैसे कंप्यूटर पे वाइटल सोर्स बुक शेल्फ, या मोबाइल पे चाहिए तो सिंपली रीडिंग या डॉट इजी रीडर, उससे वो फाइल बहुत बेहतरीन तरीके से खुलेगी, उसको चैप्टर वाइज पेज वाइज अच्छे से पढ़ सकते, बुक पार बना सकते, बहुत अच्छी चलेगी। कैजुअल के साथ भी चलेगी, कैजुअल के साथ ई बुक चलेगी बिना कुछ हम क्या रिगार्डिंग ठीक है, ईआरपी जो जिस ऐप की बात कर रही है ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं इसको उनमें से एक है। हाँ सैप उनमें से एक है, हमारे पास ऐप है ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो पूरी तरह से जॉब के साथ एक्सेसिबल नहीं है और उस पर काम करना मुश्किल है। हमने जो एक्सेसिबल जो टीम है उनकी, मेरी कंपनी ने या मैंने हमने बहुत कॉलेज किया है, वो नहीं कर पा रहे, उन्हीं की तरफ से दिक्कत है और उसको पूरी तरह से एक्सेसिबल नहीं बना। कहते हैं कि अब इंटरनेट बेस बना रहे हैं
लेकिन वो कब होगा ये नहीं होगा। की लार्जर बात यह है कि हर बड़ी कंपनी पूरे कामकाज करने कराने के लिए कोई एक अपना खास सॉफ्टवेयर बनवाती है या बना बनाया लेती है किसी बड़ी बड़ी कंपनी से, है ना। जैसे मान लो बैंक्स है, हर बैंक ने अपने सारे अकाउंट्स मैनेज करने के लिए, ग्राहक मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर ले लिया है, बनवा लिया है। ऐसे ही तुम्हारी कंपनी सोच रही होगी कि एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनवा कर ले लें जिसमें सारा काम हुआ करेगा, सारा रिपोर्टिंग या डेटा रखना होगा। ये जो सॉफ्टवेयर वो लेंगे या बनाएंगे बनवाएंगे उसमें इंडिया में क्योंकि कोई खास कानून स्ट्रिक्ट कानून नहीं है तो बनाने वाले हो सकता है कि जाने अनजाने में उसमें कुछ ऐसी चीजें कर दें या कीबोर्ड से ना चले पूरी तरह या चले भी तो कहीं ना कहीं कुछ जो टॉपिंग सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं कुछ सामना करता है। तो वो डिपेंड करता है तुम्हारा तुम्हारा कंपनी कैसा क्या करेंगे वो टेस्ट करके ही पता लगे। ट्रांजेक्शन कोर्स होते हैं वो पूरी तरह से नहीं करता, तो हर कोई क्योंकि उसमें ना ग्राफिक्स बहुत है। इसमें भी वही है कि फाइट करने वाला इशू है उनको कराना पड़ेगा तो वो तो इंटरनेशनल लेवल पे वो फर्क नहीं है नहीं क्या ये लोग करते ही और सही लेवल से डायरेक्शन दिलवाया जाए सब तो हो जाएगा
तो अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी जिम्मेवारी समझ कर एक जो एजुकेशनल मटीरियल जो है वो पूरा बच्चे को जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में उपलब्ध कराया है, यानी सॉफ्ट कॉपी, ई बुक या ऑडियो बुक या ब्रेल, तीनों का वो ओरिजिनल है। ठीक है, कैसे कर रहे हैं तो वहाँ पे तो ये है कि यूनिवर्सिटी का इक्वल ऑपरचुनिटी सेल ऑफिस है, वहाँ से वो बच्चे ले सकते हैं, वहाँ ब्रेल फैसिलिटी है या सॉफ्ट कॉपी लेकिन आप पेपर बना के रखती है रखती है, ऑडियो बुक भी वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पेपर बना के रखती है तो बच्चों को देते हैं। तो एनआई उसने क्या किया है, उन्होंने अगेन सभी किताबों की सॉफ्ट कॉपी बनाई है, ढंग से बनाई है, जिसे एनजीओ से कंसल्ट करके एक मोबाइल ऐप भी बनाया है कि देशभर में कोई कोई भी कोई स्कूल का स्टूडेंट उस मोबाइल ऐप के जरिए उनकी किताबें देख के पढ़ सकता है, ऑडियो में भी पढ़ सकता है, टेक्स्ट में भी। तो ये चीज तो मैं आप एजुकेशनल मटीरियल म्यूजिक ही सही, आप कम से कम म्यूजिक का ऑडियो और ब्रेक करवा सकते हैं तो आप बढ़िया आपको मदद भी कर सकते हैं, उनका भी अपना मैंडेट होता है किसान बनाओ तो आप ना बनाए उनकी मदद बनवा लें। जनरल यूनिवर्सिटी सर जो है वो सोचती है कि बच्चों को आपने फ्री एजुकेशन दे दी तो हम अपना पल्ला छाड़ देते हैं, इससे आगे हम जाते नहीं, ये फ्री एजुकेशन हो गया तो मेरे लिए बड़ा काम होता है, बाकी असली समस्या है वो है जो आप किताबों का देख लीजिए। दूसरा एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सर, हमारी यूनिवर्सिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम बच्चों के साथ ये भी आती है राइटर की, राइटर कौन है उनका, वही मैं इनको कह रहा था कि इसमें आप जो मॉडल गाइडलाइंस है उनको अपना लीजिए, इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट मतलब उनके पास एग्जाम देने के अलग अलग मोड होंगे, चाहे वह स्ट्राइक हो सकता है, स्ट्राइक अपनी मर्जी से ला सकता है, उस पर क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका काम है लेकिन उस पर कोई पाबंदी बढ़ डालिए कि वो कैसा राइटर लाए, वो भाई उसको तो उसी के साथ काम करना जिसके साथ उसकी थोड़ी मतलब वो सहज है, मतलब जो उसका क्वेश्चन अच्छे पढ़े समझ ले तो राइटर वो लाएगा या आप। पिछला मेरा अनुभव ये है कि ये जो आपने शिफ्ट किया है कोई बच्चा एमए के पेपर दे रहा है लेकिन जो उसके साथ बिठाया है वो टेंथ का है, आप उसका लेवल देखिए उसका तो ये अपने आप में बड़ा एक कोई भी रखती है उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, कोई इससे कोई हार्म नहीं है, पहले देखिए ज्यादातर हमारे कंट्री में ये था कि लोअर लेवल का लाना कंपलसरी था, अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी भूल नहीं बॉडी उसके ऊपर है कि अडॉप्ट करेगा उसमें, लेकिन उन्होंने कहा है सजेशन है कि आप रेगुलर लिखिए वो लोअर या हायर क्वालिफाइड भी हो सकता है, बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो जो उसके क्वेश्चन पेपर को पढ़ सके और लिख सके। कई बार राइटर ऐसे होते हैं जो कुछ पहले नहीं आती अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं उनको या उसी का टाइम जा रहा है और ऑप्शन होना चाहिए कि कंप्यूटर पर देना चाहे दे सके और तो दो तीन ऑप्शन देने और सर शिवाक्त सर से हमने सुना कि तीन गर्ल्स हैं पोर्टमोर स्कूल की वो दिल्ली में कोई आईटी कोर्स कर रही हैं, वो किस तरह का कोर्स है, या गर्ल्स ही कर सकती हैं या फिर किस तरह का कोर्स है, बच्चों को बता दो क्योंकि आगे शायद मैं भी दिल्ली स्कूल से वहाँ पे बहुत सालों से कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है, कई तरह के कोर्स हैं उनमें जो 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 आप लोग के लिए ज़्यादातर सूटेबल है वो है 4 महीने का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो कोर्स का नाम दिया है, 4 महीने का होता है, पूरे दिन की क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, हॉस्टल भी उपलब्ध है लड़कियों के लिए ज़्यादा लड़कों के होता और कुछ फीस है लेकिन फीस में संभावना है रिलैक्सेशन खास फीस में, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर कंप्यूटर में जो मेन एप्लीकेशन है वर्ड एक्सेल और थोड़ा स्मार्टफोन चलाना साथ में इंग्लिश कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल्स
ये सारा पूरा कोर्स कराते हैं। चार महीने के बाद हम अपना सर्टिफिकेट देते हैं एग्जाम के बाद। वो लोग चाहे तो गवर्नमेंट का एग्जाम है सी सी सी, वो भी दे दें, उसका भी सर्टिफिकेट देते हैं।